हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी दिए गए प्राइमरी सेल का ईएमएफ कंपेयर करा सकते हैं अथवा किसी दिए गए प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल वायर का बना हुआ एक डिवाइस है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया और बहुत अधिक लंबाई का ये तार होता है। अधिक लंबाई का तार होने के कारण इसको कई फोल्ड हम मोड़ लेते हैं और चूंकि जब मोड़ते हैं तो मोड़ने के दौरान यहाँ पर जिस चीज़ से इसको कनेक्ट करेंगे उसका रेसिस्टेंस इसके लेंथ में काउंट ना हो, इसीलिए इसको हम एक थिक मेटेलिक स्ट्रिप से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक मीटर स्केल आप लगा लीजिए, ये देखिए, और टोटल अगर ये एक मीटर लंबा है तो अगर मैंने एक फोल्ड ये किया, दूसरा फोल्ड यहाँ किया, तीसरा फोल्ड यहाँ किया, तो टोटल एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर, चार मीटर, अर्थात इस वायर की टोटल लंबाई कितनी हो गई, चार मीटर। ठीक, एक चार मीटर लंबा वायर का बना हुआ एक पोटेंशियोमीटर है। ये यही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम एक दिए गए प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं अथवा दिए गए प्राइमरी सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। इस डिवाइस का जो एप्लीकेशन है वो टोटली बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर ही ये डिवाइस वर्क करती है। ये डिवाइस का ये टर्मिनल ए के नाम से जाना जाए और ये वाला सी के नाम से जाना जाए, तो इसको मैं एक सिंपल वायर, जैसे आपने मीटर ब्रिज में यूज किया था, मान लीजिए ये है ए और ये है सी, वहाँ पर आपने एक मीटर लंबा वायर लिया था, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का एक मीटर लंबा वायर लिया था। यहाँ पर वायर की लंबाई थोड़ी सी आपने बढ़ा दी है और उसको इस प्रकार आपने सेट कर रखा है। ठीक, यहाँ पर ए और सी के बीच आप क्या लगाते थे, एक बैटरी लगाते थे बायसिंग के लिए। आप यहाँ एक बैटरी लगाते थे और यहाँ एक स्विच लगा देते थे और बैटरी का पोटेंशियल कम और अधिक करने के लिए इनके रास्ते में आप एक रिस्टोर्ट लगा देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको कनेक्ट कर रखा था। ठीक, और ये हो गया बैटरी आर्म। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आप आर लगाते थे और यहाँ पर एक दूसरा रेसिस्टेंस एस लगाते हैं। ये एक अननोन रेसिस्टेंस है, ये नोन है, ये बी है, और यहाँ पर से होकर के गैलोमीटर आता है। इसको ला करके कहीं जॉकी की सहायता से मीटर वायर पर टच कराते हैं और इसमें डिफ्लेक्शन जीरो प्राप्त करते हैं, तो ये पॉइंट डी हो जाता है। इस प्रकार से ए बी सी डी, तो इतनी लंबाई का एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस हो जाता है, इतनी लंबाई का अपना एक रेसिस्टेंस हो जाता है। मान लेते हैं इसकी टोटल लंबाई जो यहाँ से ए से डी तक है ये एल है, तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, तो जल्दी से आप बताओ, अगर ये वायर किसी मेटल का बना हुआ है जिसका रेसिस्टिविटी रो हो तो इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाता है। आर वन, अगर इसके रेसिस्टेंस को हम आर वन कह दें तो ये हो जाएगा रो एल बाई ए। इसी प्रकार ये जो आपका लेंथ डी सी है, इसका रेसिस्टेंस अर्थात आर ऑफ ए डी, इसका मान आया आर वन, दैट इज रो एल बाई ए। और इसी प्रकार हम रेसिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ वायर डी सी निकालें तो हमको मिलता है आर, अगर इसको आर टू कह दें तो रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि पूरे तार की लंबाई आपने एक मीटर मान रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक के तार की लंबाई अगर एक मीटर है तो ये इतना एल निकाल दें तो ये बचेगा 100 माइनस एल, तो इस प्रकार से इसका रेसिस्टेंस ये हो जाता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जब आप अप्लाई कर देते हो तो आप पाते हो आर बाई एस इक्वल टू आर वन बाई आर टू। ठीक, तो R बाई एस इक्वल टू आर वन बाई आर टू, यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होता है तो एडजेसेंट साइड में लगे हुए रेसिस्टेंसेज का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक,
तो इसी आधार पर आपने मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक यही प्रिंसिपल और यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर में। क्योंकि आपने यहाँ पर ए और सी को बैटरी से जोड़ा था, तो यहाँ पर भी आप ए और सी को एक बैटरी से जोड़ दीजिए, ये बायसिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। यहाँ एक बड़ी बैटरी से जोड़ते हैं तो एक रिस्टोट लगा लीजिए, पहले की सेट कर लीजिए, फिर एक रिस्टोट लगा लीजिए ताकि इसमें जाने वाली करंट को आप कंट्रोल कर सकें। ठीक, तो ये आपने बैटरी का प्लस माइनस तो ऐसे आपने जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, ए टर्मिनल को हमेशा प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं और ये पोटेंशियोमीटर के सी पॉइंट को हमेशा निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। बैटरी का इन पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस जोड़ा जाना बायसिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर कहलाता है। ठीक, तो बायसिंग टेक्निक आपने देखी, इसमें आपने प्राप्त किया कि ए को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और सी को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब चूंकि इस कंट्रोलिंग डिवाइस का प्रयोग करके आप इसमें बहने वाली करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यदि इस बैटरी का पोटेंशियल इसके क्रॉस ज़्यादा अप्लाई होगा तो इसमें बहने वाली जो करंट होगी वो लार्ज अमाउंट की होगी, लेकिन अगर हम इसके क्रॉस लगने वाले पोटेंशियल को यहाँ से कम कर दें तो इसमें फ्लो होने वाली करंट का मान कम हो जाएगा। ठीक, तो एक इसको हम रिस्टोट डिवाइस के नाम से जानते हैं, ये की है और ये बैटरी आपने बायसिंग कर दिया। अब इसी टेक्निक पर हमको काम करना है, तो काम करने के लिए मान लेते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन कि मुझे टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल। तो अगर मैं पहले प्रिंसिपल पर वर्क करूं, व्हाट इज द एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, सो दिस इज टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ the EMF of two given primary cells. Okay, तो suppose that we have two cells of EMF E1 and E2. मान लेते मेरे पास दो सेल है जिनका EMF E1 और E2 है, तो मैं इन दोनों सेलों के EMF का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? बहुत सिंपल है, तो दोनों सेल को आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। ये देखिए आपका पहला सेल है, इसका प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, और ये दूसरा सेल है इसका प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर आपने रख दिया। इन दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को आप पॉइंट ए से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया आपने, और इन दोनों सेलों के नेगेटिव टर्मिनल को आगे बढ़ा करके एक 3-पिन बॉक्स से जोड़ दीजिए। ये 3-पिन बॉक्स एक प्रकार का कम्यूटेटर होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला सेल, अगर इसको हम पहला सेल माने, इसका EMF E1 मान लें, और ये दूसरा सेल इसका EMF E2 मान लें, तो पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल के इस पिन को अगर हम 1 से इंडिकेट करें और दूसरे सेल के इस टर्मिनल को अगर मैं 2 से इंडिकेट करूं, और ये जो यहां से कनेक्शन होकर के निकलने के लिए तैयार है इस वायर के इस टर्मिनल को अगर मैं नंबर 3 से डिनोट करूं, तो अब यहां से आपने देखा था उस डिवाइस में ए से चल करके पी, फिर आगे एस, और दोनों के बीच में से होके गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हुआ था, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने कनेक्ट करवा दिया। यहीं पर आप एक गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा करके गैल्वेनोमीटर का दूसरे सिरे से आप एक वायर की सहायता से एक जॉकी को कनेक्ट करा लीजिए। ये जॉकी है जो इस वायर पर जगह जगह टच करा के करंट को फ्लो कराने के अर्थात सर्किट को कम्प्लीट कराने के काम में आती है। तो ये आपका सर्किट बन के तैयार है। अब करना कैसे है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम ज्वाइन करते हैं केस 1, टू ज्वाइन टर्मिनल 1 and 3 ऑफ द टू फाइंड आउट द EMF इन टर्म्स ऑफ द I and R। तो मान लेते हैं हमने 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, टू कनेक्ट
टू कनेक्ट वन एंड थ्री, क्या होगा? अगर आप एक और तीन को कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्शन आपका मेंटेन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस स्विच को आप ऑन कर दीजिए। ऑन कर दिया आपने, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इसमें से होकर के करंट दौड़ने लगेगी। अभी तो जो कि डिसकनेक्टेड है, इधर कहीं कनेक्ट नहीं है, तो ये इस सेल का एक सिरा यहाँ पे जब डिसकनेक्टेड है तो इससे होकर के कोई करंट ना तो इधर आएगी ना तो इधर जाएगी। इसमें से होकर के जाने वाली जो करंट है वो केवल इसी पोटेंशियोमीटर के वायर से होकर के दौड़ रही है, ठीक है। तो अगर ये करंट इस वायर से होके जब दौड़ रही है तो कितना अमाउंट की करंट दौड़ रही है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर टोटल लेंथ ऑफ द वायर पता हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पता हो और ये वायर किस मटेरियल का बना है वो पता हो तो इसका टोटल रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हो, और इसी रेसिस्टेंस के सीरीज में इसका रेसिस्टेंस है, दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो और जितना पोटेंशियल आपने बैटरी से लगाया उस वोल्टेज में टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, करंट कितने अमाउंट की जाएगी वो आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान है। फिलहाल मान लेता हूँ ये जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है इसके पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप हाई अमाउंट का हो रहा है, मान लेते हैं, क्योंकि इससे होकर के जाने वाली करंट अगर फिक्स अमाउंट की हो, यहीं पर एक आप गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए या एक अमीटर लगा लीजिए, माइक्रो एम्पियर मीटर, सो माइक्रो एम्पियर और मिली अमीटर लगाइए आप, तो ये आपको बताता रहेगा कि कितने अमाउंट की करंट इससे होकर के इसमें जा रही है, ठीक है। ये करंट आपको अगर पता चल रहा है तो इसके पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, इस वायर किस मटेरियल का बना हो उसका रेसिस्टिविटी पता है, तो अगर आप यहाँ पर इतने लेंथ में कितना रेसिस्टेंस होगा ये आप आसानी से पता कर सकते हैं फार्मूला से, ठीक है। तो इसको आपको लगाने की अभी आवश्यकता नहीं। फिलहाल मान लेता हूँ अगर पर यूनिट लेंथ माने L बराबर एक ले लिया जाए तो उसके एकांक लंबाई में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप फाई है तो टोटल लंबाई में कितना होगा, टोटल लंबाई में वी पोटेंशियल ड्रॉप होगा या वी प्लस आई आर जो यहाँ से है, अगर ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो ये पर यूनिट लेंथ कितना होगा आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये इसको हमें ऑर्बिट करते हैं। मान लीजिए हमने वन और थ्री को जोड़ दिया तो इस जॉकी का ये वाला टर्मिनल अगर ले जा करके सबसे पहले मैं ए पे टच कराऊँ, ठीक, जब मैं ए पे टच कराऊंगा तो हमें ये कनेक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सेल भी एक करंट को प्रोवाइड करने लगेगा, ये सेल एक करंट को फ्लो कराएगा। अगर इसके द्वारा आने वाली करंट, और चूंकि आप देख सकते हैं अगर ये वाला जाकर के यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है, अर्थात ये अगर ऐसे ना ला करके यहीं से सीधे आ जाए तो ये टर्मिनल अर्थात इस सेल का ये वाला वायर और इस सेल का निगेटिव वाला जो वायर है ये भी यहीं आके टच हो गया, अर्थात ये क्लोज लूप हो गया। तो इस समय गैल्वेनोमीटर में जो भी करंट चलेगी वो इस सेल के कारण चलेगी और कोई वोल्टेज उसमें नहीं जा रहा है। तो अगर ये प्लस है ये माइनस है तो करंट ऐसे ही दौड़ेगी, निश्चित रूप से इस प्रकार से दौड़ेगी। अगर करंट ऐसे दौड़ी तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन इस दिशा में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा डिफ्लेक्शन, चूंकि गैल्वेनोमीटर बाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर शुरू में इस प्रकार होता, ये इस दिशा में भी डिफ्लेक्शन दे सकता और इस दिशा में भी डिफ्लेक्शन दे सकता। तो सर्वप्रथम जब ये इधर से प्लस हुआ और इधर से माइनस हुआ तो करंट प्लस से होकर के इधर से ऐसे दौड़ेगी, जब ऐसे करंट चलेगी तो इस दिशा में ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक। अब आप क्या करो, एक बार आपने यहाँ पे कनेक्ट कराया तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस दिशा में मिला, और आप इसी जॉकी को आप पकड़ करके यहाँ जाके टच कराओ, ठीक है। इसको जा करके जब आप यहाँ टच कराएंगे तो आप पाएंगे कि ये सेल अकेले केवल करंट को नहीं फ्लो करा रहा बल्कि इस वायर में भी एक करंट दौड़ने के कारण एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर इस सेल के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है तो इसमें डिफ्लेक्शन शून्य हो जाता है,
नल डिफ्लेक्शन मिलता, लेकिन अगर इसके द्वारा दिया गया डिफ्लेक्शन कम हो, इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया पोटेंशियल कम हो और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो, तो इस केस में गैल्वेनोमीटर अब इस दिशा में डिफ्लेक्शन देगा। ठीक, मैंने कहा कि अगर इस वायर में इस सेल के कारण दौड़ने वाली करंट के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द सेल, तो गैल्वेनोमीटर उल्टी दिशा में, इस दिशा में डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक, अगर नहीं कर रहा है तो आप इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लीजिए, रेसिस्टेंस कम कर दीजिए, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक, अर्थात इस वायर में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसमें ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल ज़्यादा हो गया सेल के पोटेंशियल से, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन उस दिशा में देगा। ठीक, अब सर्किट अगर आपका ऐसा डिफ्लेक्शन शो कर रहा, अर्थात ए पर जब आप कनेक्ट कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर इधर शो करता है, और जब सी पर कनेक्ट कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो करता है, तब आप क्या करो, आपका ये सर्किट एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो गया है ऐसा आप मान सकते हो। तो मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप फाई है, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा कनेक्टेड ये जो जॉकी है, इस जॉकी को आप पकड़ो और इस ए और सी के बीच में डिफरेंट पॉइंट्स पर आप रखने का प्रयास करो। तो ए पर आप रखते हैं, आप देखते हैं इस दिशा में डिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा इधर जाते हैं, यहाँ कहीं टच कराते हैं, अभी भी डिफ्लेक्शन इधर है, तो और इधर आइए, अब डिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ मिलेगा आपको, तो और इधर आप आइए, हालांकि जॉकी को कभी इस पे मतलब इस पे टच कराते हुए रब मत करिएगा, नहीं तो ये वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगी तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए आप उसको उठा करके जगह जगह पॉइंट बाय पॉइंट आप रख सकते हैं। तो जॉकी को आप यहाँ पर रख रहे हैं, फिर यहाँ रख रहे हैं, फिर यहाँ रख रहे हैं, इस प्रकार से जैसे ये इधर चलता चला रहा, आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ रखते हैं तो डिफ्लेक्शन इधर शो करने लगा था ना, तो इसलिए जब इधर आप बढ़ाते जाओगे तो देखोगे कि ये डिफ्लेक्शन एक ऐसे पॉइंट पर, मान लिया जॉकी को यहाँ कहीं टच कराने पर डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो इसका मतलब यही इसका नल पॉइंट है, इसका मतलब अब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ध्यान दीजिएगा, जो कि कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ऐसा देख रहे ना, अर्थात ये सेल के निगेटिव के बीच और यहाँ के बीच पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ का ये पोटेंशियल और जे का पोटेंशियल सेम होगा, अर्थात इधर ऊपर का पोटेंशियल ठीक और ये इधर वायर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसके पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप फाई हो, तो यहाँ से यहाँ तक एक मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ आए अगर जोड़ लें, तो ये प्लस ये को अगर मैं L1 लेंथ कहूँ, तो मुझे बताओ ये जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है, ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा, फाई ऑफ L1। ठीक, ये हुआ। दूसरी बात, अब इस जॉकी को आप डिस्कनेक्ट करो, कहीं फ्री में रख दो, फ्रीली स्पेस में रख दीजिए, और इस जो इसको कम्यूटेटर को आपने 1 से जोड़ रखा था, इसको डिस्कनेक्ट करके अब 2 और 3 को जोड़ दीजिए। किसको जोड़िए, केस 2 इन विच नाउ डिस्कनेक्ट 1 एंड 3, डिस्कनेक्ट 1 एंड 3 एंड कनेक्ट 2, 2, 3। ठीक है, 1 और 2 को डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि कम्यूटेटर है, एक बार जब इस पर आप रखे हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऑन करो। ठीक, तो जैसे ही ये ऑन होगा, अब ये दूसरे सेल से सर्किट जुड़ चुका है। ठीक, इस जॉकी को पकड़िए और सबसे पहले आप ए पर ले जाओ, तो अगर ए पर ले जाएंगे केवल यही सेल अपना करंट प्रोवाइड कराएगा गैल्वेनोमीटर शो करके, तो एक दिशा में डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन अगर मैं जॉकी को ले जा करके सी पर टच कराऊंगा, यहाँ से
अगर मैं इसको यहाँ ले जा करके टच कराऊंगा तो दूसरे सेल का पोटेंशियल यदि इसमें ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन उसी दिशा में आएगा, लेकिन अगर इस सेल का पोटेंशियल कम हो जाए इसमें ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल से तो डिफ्लेक्शन इधर कहीं आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर मिल रहा है कि इस दिशा में डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस जॉकी को पकड़िए, इसके बीच में कहीं टच कराने का प्रयास करिए जहाँ पर गैल्नोमीटर में डिफ्लेक्शन शून्य हो जाए। तो मान लेते हैं गैल्नोमीटर को यहाँ, इस जॉकी को यहाँ टच कराया, अभी भी डिफ्लेक्शन उधर, यहाँ कहीं टच कराया अभी भी उधर, यहाँ कहीं टच कराया धीरे धीरे आ रहा, यहाँ कहीं टच कराने पर मान लेते हैं ये डिफ्लेक्शन शून्य शो करता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक में जो टोटल लेंथ होगी, इस लेंथ ऑफ वायर में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इस सेल के ईएमएफ अर्थात मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर, क्योंकि ये सेल इस समय कोई करंट नहीं अपने थ्रू फ्लो करा रहा, अर्थात इसका अगर कोई इंटरनल रेसिस्टेंस होगा भी तो करंट ना जाने के कारण इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, अर्थात ये मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ बता रहा, तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल इस समय किसके बराबर हो जाएगा, ई टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी टोटल लेंथ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है ये एल टू है, तो पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप फाई, तो एल टू लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप, फाई एल टू। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बना लिया हूँ तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके यहाँ से निकाल सकता हूँ ई वन बाई ई टू क्या होगा, तो फाई एल वन बाई फाई एल टू यहाँ से हमको मिल जाएगा ई वन बाई ई टू बराबर एल वन बाई एल टू। ठीक, तो आपने प्राप्त कर लिया कि दो दिए गए प्राइमरी सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर कराते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो क्या है, एक प्राइमरी सेल का पोटेंशियल यदि इस पोटेंशियोमीटर वायर में ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो इसका जो ईएमएफ होगा वो सेल का ईएमएफ होगा पर यूनिट लेंथ में ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी पर हम यूज करते हैं। वैसे ये जो फार्मूला आया है ये किरचाफ के नियम से आया है, क्योंकि अगर आप किरचाफ के नियम से देखें, मान लेते हैं इसके पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, मान लेते हैं इसके पर यूनिट वायर का रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, और इतना पोटेंशियल लगाने पर इसमें होकर के करंट बह रही जिसका नाम आई है, तो इसके पर यूनिट लेंथ में एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिसको हम कहेंगे आई आर कहेंगे। तो अगर ये एल वन लेंथ का वायर जहां पे सबसे पहले मुझे सेल वन से जोड़ने पर डिफ्लेक्शन नल मिला था, वो अगर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस आर है तो एल वन लेंथ का रेसिस्टेंस आर एल वन होगा। ठीक, तो आई करंट के बहने से उतने लंबाई के वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इतना, अर्थात यही आपका फाई एल वन है और ये आपका फाई है। ठीक है, तो ये चाहे तो ये मान रख करके आप देख सकते हैं, चूंकि नल डिफ्लेक्शन जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच कैन बी अप्लीकेबल टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल। आइए इसके दूसरे एप्लीकेशन पर चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एक दिए गए प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक, देखिए अगर हम किसी दिए गए प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का प्रयास करें तो कैसे निकलेगा, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल। ठीक है, एक दिए गए प्राइमरी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालना, कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से एक सेल है जिसका मुझे इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ जो है वो ई है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, इस इंटरनल रेसिस्टेंस को आप यहाँ हल्का सा बना सकते हैं। ठीक,
दिस इज द सेल। ठीक, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस सेल का ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसी का मान आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए, ये जो ईएमएफ है, ई सेल है, सबसे पहले इसको आप यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए। ज्वाइन कराने के बाद यहाँ पर एक 3 पिन बॉक्स पुनः ले लीजिए। यहाँ पर एक कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस बॉक्स रखते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, इसको भी यहाँ से कनेक्ट करा के रखते हैं। फिलहाल अभी मैंने एक टर्मिनल ये नाम दे दिया 1, 2 और इसको दे दिया 3। तो ये कम्यूटेटर है, आप कम्यूटेटर क्या 2 पिन प्लग की है, हम इसको भी कनेक्ट कराएंगे, इसको भी कनेक्ट कराएंगे, लेकिन 1 by 1 नहीं, सबसे पहले हम 1 और 3 को कनेक्ट कराएंगे और बाद में इसको कनेक्ट रखते हुए इसको कनेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो टू पिन प्लग की है ये। देखिए, इसके रास्ते में यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा लिया, गैल्वेनोमीटर से होकर के एक जॉकी को कनेक्ट करा लिया, ठीक। अब केस आता है, सबसे पहले इसको आप ऑन करो ताकि इसमें करंट दौड़ने लगे, करंट दौड़ेगी तो इससे होकर के करंट दौड़ेगी और इसके पर यूनिट लेंथ में एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मान लेते हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर के पर यूनिट लेंथ का वो रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, तो चूंकि यहाँ मान चुके हैं आप, तो इसको मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर भी यहाँ रेसिस्टेंस बॉक्स के लिए मानेंगे। मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ का जो रेसिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है, R1 R' कुछ भी मान लीजिए। तो अगर इस वायर के पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल, पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, तो अगर इससे होकर के करंट दौड़ रही है आई, जो कि सेल के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट की करंट को दौड़ाया जा रहा है, तो इसके पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR1। तो ये इसी को कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसका जिक्र मैंने अभी इसके पहले किया था, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप। अब चूँकि मैं इसको कनेक्ट कराता हूँ, 1 और 3 को कनेक्ट करा दिया, जॉकी को पकड़ा, ले जा करके ए पर कनेक्ट कराया, तो देख रहा हूँ केवल ये सेल कनेक्ट है, एक दिशा में डिफ्लेक्शन दिया, फिर जॉकी को पकड़ा, सी पर ले जा करके कनेक्ट कराया, सी पर कनेक्ट कराने पर अगर ये दूसरे दिशा में डिफ्लेक्शन दिया तब तो ठीक, अगर नहीं दिया तो इसके पोटेंशियल को आप बढ़ाइए अथवा घटाइए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाने घटाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही हो कि डिफ्लेक्शन दूसरे दिशा में देने लगे, ठीक, जैसे ही ये डिफ्लेक्शन शो करे दूसरे दिशा में आप रुक जाइए, इस जॉकी को पकड़िए, अब इस वायर के बीच में कहीं टच कराइए, ऐसे किसी पॉइंट को खोजिए जहां पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शून्य हो जाए, ठीक। जब डिफ्लेक्शन शून्य हो जाएगा तो यहां से चल करके मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आया, कोई D1 पॉइंट, जहां पर कनेक्ट कराने पर डिफ्लेक्शन क्या हुआ, शून्य हो गया। तो इसका मतलब इस सेल का जो EMF होगा, चूंकि गैल्वेनोमीटर ने कोई करंट नहीं फ्लो किया, तो इस रास्ते से होकर के कोई करंट नहीं दौड़ रही है, तो इस वायर के रेसिस्टेंस, इस रास्ते में जो स्मॉल रेसिस्टेंस है, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो सप्लाई किया जाने वाला, इसके बीच में जो ये आपका पोटेंशियल लगा हो, केवल सेल का EMF है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फाई मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ अर्थात R1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से E1 इज इक्वल टू फाई L1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये वही है कनेक्टिंग केस नंबर 1, कनेक्टिंग 1 and 3, देख रहे हैं ना, 1 और 3 को कनेक्ट कराने पर आपको इक्वेशन क्या मिला, E1 equal to phi L1, दिस इज जस्ट सिमिलर एंड एनालॉगस टू द फर्स्ट केस। आपने देखा इसके पहले जो केस मैंने स्टडी किया था इन कंपैरिजन टू द टू EMF ऑफ गिवन प्राइमरी सेल, वैसे ही है ना। तो क्या करो, अब इसको कनेक्ट रखते हुए, इसको कनेक्ट रखते हुए आप इसको कनेक्ट करा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको कनेक्ट
रखते हुए इसको कनेक्ट करा दीजिए। अब क्या होगा, अब ये आप देख सकते हैं ये सेल यहाँ से चल करके ये क्लोज सर्किट यहीं इतने में ही निर्माण कर ले रहा है, ठीक। तो अगर मान लेता हूँ ये सेल एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यहाँ से एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मान लीजिए मैंने कितना निकाला, स्मॉल आर निकाला, एक या कैपिटल आर ओम का एक रेसिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे ही कैपिटल आर ओम का रेसिस्टेंस आपने यहाँ अप्लाई किया, देन व्हाट हैपन, ये सेल यहाँ से चल करके अगर कोई करंट देगा तो ये करंट इसी ब्रांच में दौड़ने लगेगी, ठीक। मान लेता हूँ इस करंट का मान आई है, तो आई यहाँ से निकल करके और ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से दौड़ेगी, ठीक। अगर ये करंट इस प्रकार से दौड़ रही है तो चूंकि ये सेल आपने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, दिए गए एक सेल का जो टोटल ईएमएफ होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल और उस सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस में ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। केस नंबर टू, कनेक्ट टू एंड थ्री आल्सो। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं इस छोटे से सर्किट में अगर इसका कोई नाम दे दिया जाए, ए ई, ऐसे करिए ए ई ए आर थ्री वन टू थ्री वन, ऐसे इन लूप ए आर, यहाँ से शुरू करिए ई ए आर और ये हो गया टू थ्री वन, पुनः ही आपका हो गया ई, एक लूप बना, देख रहे ना ई ए आर टू थ्री वन और ई, लूप बना। इस लूप में अगर मैं देखूँ तो ये सोर्स ऑफ द ईएमएफ क्या है, ई है, और पोटेंशियल ड्रॉप चूंकि करंट ऐसे दौड़ेगी आई आर, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो माइनस आई आर एंड माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है, ये इक्वल टू जीरो होगा। इट मींस ई इक्वल टू आई होल इंटू आर प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये कब होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको कनेक्ट कराने के बाद ये आप कब पाओगे, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली करंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन ना देने लगे तब पाओगे। अर्थात जॉकी को यदि आप डिस्कनेक्ट करके रखें, जॉकी को आप डिस्कनेक्ट करके रखें तब ये आप पाओगे। मान लेता हूँ जॉकी को कहीं मैंने टच नहीं कराया, तब ये हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आई करंट मिल रही है। अब मैंने क्या किया, इस जॉकी को पकड़ा और ले जा करके पहले ए पर टच कराया, अब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन एक दिशा में शो करने लगा, मैं जॉकी को पकड़ा और ले जा करके सी पर टच कराया तो ये इस दिशा में डिफ्लेक्शन शो करने लगा, ठीक, सर्किट सब कंप्लीट है। अब इस जॉकी को आप इस ए और सी के बीच जो पोटेंशियोमीटर वायर है बीच में कहीं टच कराइए, अगर बीच में कहीं टच कराने पर, मान लेते हैं यहाँ कहीं टच कराने पर अगर ये कोई पॉइंट डी टू है जिस पर ये डिफ्लेक्शन शून्य देता है, ठीक, अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन शून्य मिला तो इसका मतलब इसमें पुनः वही उतनी अमाउंट की करंट दौड़ने लगेगी जो मौके पर दौड़ रही थी। तो इस केस में यहाँ पर इनके टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिसको हम कहेंगे वी अर्थात आई आर, ठीक है, ये पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा। तो केस नंबर टू में क्या हो जाएगा, वी दैट इज इक्वल टू आई आर, ओके, दैट बिकम्स इक्वल टू, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को L2 पाएँ तो पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, फाई, तो L2 लेंथ में कितना हो जाएगा, फाई L2, ठीक। तो यहाँ से आपको V का मान कितना मिल रहा है, फाई L2। तो जरा आप फर्स्ट और थर्ड से देख लीजिए, अगर आप फर्स्ट में थर्ड से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई थर्ड, देन यू गेट व्हाट, ई बाई वी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू फाई एल वन बाई फाई एल टू,
सो फाइव एंड फाइव विल कैंसल एट हियर, देन ई बाई वी इक्वल टू एल वन बाई एल टू. नाउ फ्रॉम सेकेंड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ ई एज आई इन टू आर प्लस स्मॉल आर एंड वी फ्रॉम थर्ड दैट इज इक्वल टू वाट आई आर, सो दिस बिकम्स एल वन बाई एल टू. So I and I will cancel from here and you find that R by R that is 1 plus small r by capital R equal to L1 by L2. So after taking this 1 on the right side, you get what? You get R by capital R equal to L1 by L2 minus 1 and from here small r equal to R multiplied by L1 by L2 minus 1 multiplied by R. This is the simple formula this is the simple formula for the calculation of the internal resistance of the cell. ठीक, तो आपने यहाँ पर एक small resistance R निकाला था और उसके लिए आपने length का मान ने कैलकुलेट कर लिया. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं R का मान दूसरा चूज करूँगा तो ये लेंथ जो दूसरी बार मुझे डिफ्लेक्शन के लिए जीरो दे गया, ये लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी. अर्थात R को जिस प्रकार आप चूज करोगे L2 उसी प्रकार ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा. इसलिए आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, आप किसी भी वैल्यू को आप यहाँ चूज कर सकते हैं. ठीक, तो इस प्रकार से आप एक सिंपल फॉर्मूले की सहायता से, पोटेंशियोमीटर की सहायता से कह सकते हैं, एक दिए गए प्राइमरी सेल को के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर इन विच यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर. ओके, थैंक यू.